हाय अक्षत, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? गुड गुड, ऑल वेल ऑल वेल अनंत, हाउ आर यू? आई एम आल्सो वेरी गुड. वेलकम टू इन्वेस्ट आज फॉर कल फैमिली. थैंक यू. अक्षत, पहला क्वेश्चन, एनएफटी होता ही क्या है? बहुत इजी लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं एनएफटी क्या होता है. तो पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि एनएफटी एक बहुत नया एसेट क्लास है, राइट? इट वुड बी कैटेगराइज्ड अंडर क्रिप्टो करेंसीज, राइट? सो एंड क्रिप्टो करेंसीज में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा रिस्क होती है. सो दैट इज़ पॉइंट वन. ओके, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, होपफुली आप उसको इन्वेस्टमेंट की तरह मत लीजिएगा, एक नॉलेज की तरह लीजिएगा. इट्स अ न्यू एसेट क्लास, इसमें बहुत कुछ सीखने को है. एंड कोई भी जब नया एसेट क्लास आता है तो उसका पूरा रिसेप्शन ठीक नहीं होता इन अ वे, राइट? सो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनेट बबल एनालाइज करें, जब 90s में, अर्ली 2000 में जब इंटरनेट बबल क्रैश करा था, तो उस टाइम पे .com को लेके बहुत ज़्यादा एक एंग्स्ट था लोगों में, राइट? कि बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि यार इंटरनेट कंपनी बर्बाद कर दिया ये, राइट? सो सिमिलरली, बिकॉज इट वॉज अ न्यू थिंग दैट वॉज कमिंग इन द मार्केट, एंड कोई भी जब नई चीज़ आती है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा एक रोश होता है लोगों में, राइट? सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, ये दिस इज़ लाइक डिस्क्लेमर नंबर वन, जो आप पूरी चार्ट पे अप्लाई करें. अब मैं अनंत का क्वेश्चन आंसर कर देता हूँ कि एनएफटी एक्चुअली होता क्या है. सो एनएफटी बहुत ही आसान भाषा में एक, उसको फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन्स. एंड ये तो आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया. अब इसका कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि इट्स अ डिजिटल एसेट. तो पहला उसका एस्पेक्ट हो गया कि वो एक डिजिटल एसेट है. एसेट क्या होता है? जैसे कुछ भी आपने स्टॉक खरीदा तो इट्स एन एसेट, अगर आपने बॉन्ड खरीदा इट्स एन एसेट, अगर आपने कोई पीस ऑफ बिजनेस ओन करा डायरेक्टली, राइट? सो दैट्स अ पीस ऑफ एसेट. या आपने गोल्ड ओन करा तो दैट्स अ पीस ऑफ एसेट. सिमिलरली, एनएफटी इज़ अ डिजिटल एसेट विच वी कैन कैटेगराइज. अब ये डिजिटल एसेट स्टोर कहाँ होता है, राइट? दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन कि भाई हम गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड दिख जाता है, लेकिन अगर आप एनएफटी खरीदते हो तो एनएफटी कहाँ स्टोर होता है, राइट? सो एनएफटी होता है एक ब्लॉकचेन पे स्टोर. अब फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि ब्लॉकचेन क्या होती है, राइट? सो फिर ब्लॉकचेन, तो एक के बाद एक वो अनलेयरिंग होती चली जाएगी एंड इट विल बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स. मैं एक एक करके ये बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे कि एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बन जाए. सो ब्लॉकचेन इन सिंपल टर्म्स इज लाइक अ, यू नो, इट्स लाइक इंटरनेट, राइट? कि जैसे अपना एक नेटवर्क होता है एंड इट्स अ नेटवर्क जिसके थ्रू आप डेटा भेज सकते हो, डेटा रिसीव कर सकते हो. जैसे आप इंटरनेट पे डेटा भेजते हो, रिसीव करते हो, राइट? आप फाइल्स सेंड करते हो, आप वेबसाइट ओपन करते हो, देन यू आर एसेंशियली डाउनलोडिंग इट ऑन योर कंप्यूटर. सो दैट इज़ वॉट अ ब्लॉक चेन इज, कि उसमें ब्लॉक्स ऑफ डेटा होते हैं एंड वो आपस में कनेक्ट होते हैं एंड इट्स सिमिलर टू इंटरनेट. ब्लॉक चेन पर अपन को एक पूरी अलग डिस्कशन करनी पड़ेगी, तब वो क्लैरिफाई होगा, लेकिन असेंशली जो एनएफटी स्टोर होता है वो ब्लॉक चेन पर स्टोर होता है, राइट? सो दैट इज़ वॉट इट इज़, दैट इट्स अ डिजिटल एसेट विच इज स्टोर्ड ऑन ब्लॉक चेन. एंड जब आप एनएफटी खरीदते हो तब उसका मतलब क्या होता है? तो जब आप एनएफटी खरीदते हो तो असेंशली यू आर बाइंग एन एड्रेस टू अ ब्लॉक चेन नेटवर्क, दैट्स इट. ओके, सो वो दिखता है कि वो ना एक पिक्सेलेटेड सा आर्ट है या एक एमएस की पेंटिंग आपने खरीद ली है या आपने कोई एक फनी सी पिक्चर खरीद ली है कैट एंड डॉग की, लेकिन असेंशली यू आर बाइंग अ ब्लॉक चेन एड्रेस, दैट्स इट. सो दैट इज़ वॉट एनएफटी इन अ नॉन टेक्निकल टर्म्स वुड मीन, और सम वॉट अ लिटिल टेक्निकल टर्म्स वुड मीन. तो ये एनएफटी पिक्चर में ही कब आए? बात कब होनी स्टार्ट हुई एनएफटी की, और एनएफटी को हम स्कोप में कब, कैसे समझे इसका स्कोप क्या होगा? राइट, सो आई थिंक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि एनएफटी पिक्चर में कब आए, एनएफटी का स्कोप क्या है. सो आई थिंक, यू नो, दिस इज एन एप्लीकेशन, राइट? सो इट्स एन एप्लीकेशन बेस्ड थिंग, इन द सेंस जैसे कि अगर आपसे कोई 2000 के आसपास या 95 के आसपास पूछे कि भाई इंटरनेट आया है, कुछ नया नया आया है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है आप बताओ, राइट? सो आपको समझ में भी नहीं आया कि 95 में एप्लीकेशन क्या हो सकती है इंटरनेट की. आज हम जूम पे बैठ के बात कर रहे हैं, 95 में पिक्चर ये इमेजिन करना कि हम किसी के थ्रू वर्चुअली, आप अलग शहर में हो, मैं अलग शहर में हूँ, हम आपस में बात कर रहे होंगे, ये इंटरनेट की यूज़फुलनेस होगी. 95 में आपको समझाना ये बहुत मुश्किल चीज़ होती, राइट? सो अब आप समझा सकते हो, आप तो लगता है कि हाँ यार, ऑब्वियसली दिस वुड हैव बीन दी ऑब्वियस आउटकम ऑफ ऑल दीज थिंग्स. तो वो अब आप बहुत इजीली समझा सकते हो, लेकिन 95 में वो नहीं समझा सकते थे, राइट? सो सिमिलरली एनएफटी के बारे में जो भी हम प्रोग्नोसिस कर रहे हैं अभी, उसका प्रोग्नोसिस कर पाना पूरी तरह विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इट्स अ थिंग ऑफ द फ्यूचर, सो टू से. लेकिन जो अभी करंट फॉर्म में जो उसकी थोड़ी बहुत एप्लीकेशन देखते हैं, वो मैं कवर कर देता हूँ. जैसे कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अभी आपने ये सुना होगा कि जो कम्युनिटीज़ बन रही है, माइक्रो कम्युनिटीज़, जैसे यूट्यूब है तो इन्वेस्ट आज फॉर कल में भी कम्युनिटी है, राइट? लेकिन अगर आपको उसको एंगेज करना है, अगर आपको उससे बातें करनी है, अगर आपको किसी तरीके से इंटरेक्ट करना है मोर मीनिंगफुल वे में, तो इट इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस. आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे? आप यूट्यूब चैट कर लोगे, राइट? आप हो सकता है 1000-5000 लोगों को जूम कॉल पर बुला लो, राइट? उसमें इंटरेक्शन नहीं होता, दैट लेवल ऑफ इंटरेक्शन. सो एनएफटी गिव्स यू एन ऑप्शन कि आप बहुत सारे सिस्टम्स बना सकते हो, प्रोसेसेस बना सकते हो कम्युनिटीज़ को एंगेज करने के लिए. जैसे अमिताभ बच्चन ने एनएफटी लॉन्च किया,
तो उसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ. तो फॉर एग्जांपल राइट, एंड दिस इज अ हाइपोथेटिकल केस जो मैं उसको ट्वीक करके बता रहा हूँ. तो जैसे अमिताभ बच्चन ने एनएफटी लॉन्च किया, उसमें एनएफटी में एनएफटी अब होता ही है कि अपन ने बोला कि वो डेटा होता है ब्लॉकचेन पे. तो डेटा वो किस तरीके का होता है, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. अब उस पर भी एक आर की डिस्कशन हो सकती है. तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा ये जाता है कि अमिताभ बच्चन ने एनएफटी निकाला, एंड इस एनएफटी के अंतर्गत ये पांच बातें होंगी. जैसे आप अगर अमिताभ बच्चन का आप एनएफटी वन जिसका नंबर ये है आप ओन करते हो, तो देन अमिताभ बच्चन विल प्रोबेबली डू अ वन ऑन वन मीटिंग विथ यू राइट. सो अगर आप इस एनएफटी के ओनर हो, सो उसकी वैल्यू बहुत होगी. कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा एनएफटी है जिसके थ्रू एक क्रिएटर जो अमिताभ बच्चन है, अगर उन्होंने एक एनएफटी निकाला है और उन्होंने ये फंक्शनैलिटी दी है कि आप वन ऑन वन बात कर सकते हो मेरे से, या फिर आप मेरे साथ एक डिनर पे जा सकते हो, या आप जो मैं पहला अपनी रैप एल्बम लॉन्च करूंगा आपको उसका उसकी मैंने इनॉग्रेशन पर बुलाऊंगा या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो दैट्स अ वंडरफुल वे ऑफ एंगेजिंग द कम्युनिटी. अब आप बोलोगे कि नहीं यार अमिताभ बच्चन ने तो अभी मेरे से बोल दिया कि मेरा एनएफटी खरीद लो एंड आई विल कॉल यू टू माय इनॉग्रेशन जब मैं कुछ नई चीज़ लॉन्च करूंगा, नहीं बुलाया तो. सो नो, दैट इज़ समथिंग दैट कांट बी डन बिकॉज ये ब्लॉकचेन की फंक्शनैलिटी होती है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे पुट करे जाते हैं. जैसे कि आपने एनएफटी खरीदा, तो यू आर बाइंग एसेंशियली एन एसेट ऑन अ ब्लॉकचेन. वो एसेट क्या है? वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है. अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ पीस ऑफ कोड राइट, कंप्यूटर कोड जो लिख दिया तो लिख दिया, उसमें इफ़ दिस देन दिस कंडीशन मीट होनी ही चाहिए राइट. सो फ्रॉम दैट एंगल ये बहुत ही हाईली कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ. सो हो सकता है थोड़ी सी मेरे से गलतियाँ हो जाएँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको नेट नेट समझ उसकी पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ऐसी ऐसी बातें बोल के मुझे बेचा गया है, एंड दिस कैन बी सीन बाय एवरीवन ऑन द ब्लॉकचेन नेटवर्क, एंड एवरीवन वुड नो कि भाई अनंत ने ये एनएफटी खरीदा है, एंड इस एनएफटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे ये बातें लिखी गई थी. तो जब भी अमिताभ बच्चन जी अपना कोई भी नई चीज़ लॉन्च करेंगे, अगर उस एनएफटी पे लिखा हुआ है कि अनंत लड्डा जी को बुलाया जाएगा उनके इनॉग्रेशन पे, तो वो बुलाया ही जाएगा राइट, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव राइट. सो दैट इज़ द यूटिलिटी, दैट इज़ जस्ट वन ऑफ द यूटिलिटीज़. ये कंप्लीट यूटिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया कि डेफिनेटली ये एक यूटिलिटी तो है. अक्षत, लेकिन जैसे ये तो हमने एक अमिताभ बच्चन की एनएफटी की बात कर ली जिसका बहुत मीडिया में भी बहुत बात हुई थी, यूजुअली और किसी भी एनएफटी की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? और इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि फिर तो मतलब क्या मैं भी कल अपनी एक एनएफटी निकाल दूं और हमारे सारे के सारे सब्सक्राइबर्स भी हमारी एनएफटी निकाले, उसको तो वैल्यू मिलेगी नहीं. अमिताभ बच्चन ने निकाली एनएफटी तो वैल्यू हो गई, ऐसा क्यों? सो अब एनएफटीज भी बहुत टाइप के होते हैं राइट. इट्स लाइक कि जैसे अब आपसे कोई पूछे कि भाई इंटरनेट की मुझे वैल्यू बताओ राइट. सो आप बोलोगे कि यार मैं तो यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो उसकी तो वैल्यू बहुत है राइट. सो देयरफॉर इंटरनेट की वैल्यू बहुत है राइट. सिमिलरली आप कोई आपसे दूसरा बंदा बोल दे कि यार अनंत आप चैनल बहुत अच्छा चलाते हो, तो मैं भी यूट्यूब स्टार्ट कर लेता हूँ, कल मैं मिलियनर बन जाऊँगा राइट. सो ये दोनों बातें आप कह सकते हो इंटरनेट की ग्रोथ देखते हुए, लेकिन इट्स नॉट करेक्ट कि भाई बिकॉज अनंत का चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो करा है आपका चैनल भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा. सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, लेकिन अगर आपको डिसाइड करना है कि एनएफटी की वैल्यू कहाँ से आती है, सो उसके दो तीन मुख्य एरियाज हैं जिसपे आप सोच सकते हो. सो पहली चीज़ तो ये हो गई कि एनएफटी जो हो वो रेयर हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि जैसे डायनासोर का एग राइट. सो अब डायनासोर का एग है, अब आप उसका ऑमलेट बना के तो खाओगे नहीं राइट, एंड उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है राइट. इट्स नॉट एज इफ कि बहुत टेस्टी होगा, आप उसको किसी को दिखाओगे एंड ऑल दैट स्टफ. डायनासोर का एग अगर अनअर्थ होता है, मतलब अनअर्थ करा जाता है, नॉट इन हिंदी बट इन इंग्लिश, कि अगर उसको अनकवर करा जाता है राइट. सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव अगर आप उसको अनअर्थ करते हो एंड देन इफ यू गेट दैट एग, तो उसकी यूटिलिटी क्या है? उसकी यूटिलिटी ये है कि इट्स अ वेरी रेयर पीस ऑफ एसेट राइट. अब फिजिकल, ये तो फिजिकल वर्ल्ड की बात हो गई कि भाई आपने डायनासोर का अंडा एक्सप्लोर करा, आपके पास है, एंड वो बहुत रेयर एसेट है, देयरफॉर उसकी यूटिलिटी है राइट, एंड देयरफॉर उसकी वैल्यू है. आई करेक्ट, देयरफॉर उसकी वैल्यू, यूटिलिटी नहीं वैल्यू. ओके, सो अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई अब मान लो कि मेरे पास वो डायनासोर का अंडा है, मैं आता हूँ आपके पास, मैं बोलता हूँ कि अनंत यार मेरे पास एक डायनासोर का एग है, खरीदोगे राइट? और आप बोलोगे कि यार मैं कैसे विश्वास कर लूँगी डायनासोर का एग है राइट. तो आपने हो सकता है ऑस्ट्रिच का एक मुझे पकड़ा रहे हो राइट, मैं कैसे विश्वास कर लूँ राइट. सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम दैट यू विल हैव. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ कि जैसे मान लीजिए अभी मोनालिसा की पेंटिंग है राइट, सबको पता है वो लूवर म्यूजियम पैरिस में, एंड आप मान लो कि आप जाके खरीदते हो लूवर म्यूजियम पे वो पेंटिंग, एंड मोनालिसा आपको दे दी जाती है, आप मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स पे करते हो, न्यूज़पेपर में सब जगह आपके पास नाम आता है. आप वापस इंडिया आते हो फ्लाइट पकड़ के, आप मेरे पास आते हो, बोलते हो कि अक्षत तुमने मुझे डायनासोर का एक बेचा, मैं तुम्हें मोनालिसा की पेंटिंग बेचता हूँ राइट, एंड देख लो मेरा नाम आया हुआ है कि मैंने ये पेंटिंग है ना लूवर से खरीदी है, आप खरीद लो राइट. लेकिन मुझे कैसे विश्वास होगा कि आप
जो फ्लाइट लेके आए आपने बीच में पेरिस में किसी को नहीं भेज दी, या आपने इंडिया आके मुंबई में किसी को नहीं भेज दी, आप तो मेरे से दिल्ली में मिलने आए, तो हाउ कैन आई ट्रस्ट यू जस्ट बाय लुकिंग योर नेम ऑन द पेपर कि वो चीज़ वेरीफाइबल है कि नहीं। सो अब बात करते हैं NFT की यूटिलिटी की। तो मैंने इतनी कहानी आपको इसलिए समझाई जिससे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना आसान हो जाए कि नाउ अब आप इस चीज़ को ऐसे समझिए कि जैसे NFT में होता क्या है कि जो ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है उसमें ट्रेसेबिलिटी आसान होती है कि पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन फिगर आउट करना बहुत आसान है, द चेन ऑफ कस्टडी बिकम्स रियली इजी। कि NFT अगर मान लीजिए आपने आपने कोई भी NFT अभी आपने खरीदा, जैसे मैं स्पेसिफिक NFTs के नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर लोग यू नो मे बी हो सकता है वो खरीद लें, तो जैसे मान लीजिए कोई भी रेयर NFT आपने खरीदा, जैसे बाराक ओबामा ने अपना पहला NFT लॉन्च किया हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, नो दैट्स अ वेरी रेयर थिंग इन अ वे बिकॉज बाराक ओबामा का वो पहला NFT है, राइट, एंड इट विल स्टे फॉर एवर। अब आपके पास उसकी चेन ऑफ कस्टडी है, आपने वो खरीदा, नाउ इफ़ यू कम एंड ट्राई टू सेल मी, मेरे को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि भाई ब्लॉकचेन पे मैं देख सकता हूँ जाके, इट्स अ नेटवर्क जहाँ पे मैं चेन ऑफ कस्टडी देख सकता हूँ। जैसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में जब भी आप पैसा किसी को ट्रांसफ़र करते हो एक बैंक से दूसरे बैंक में, तो उसके ट्रांजैक्शंस होते हैं वो लेजर पे लिखे जाते हैं कि आपने HDFC बैंक से ICICI बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करा, या ICICI बैंक के इस अकाउंट से इस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करा। तो ऐसे ही जब NFT मूव करता है तो उसकी चेन ऑफ कस्टडी बहुत क्लियर हो जाती है। सो अगर आपके पास कोई रेयर NFT है, राइट, बहुत सारे रेयर NFTs होंगे, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, राइट, सो जैसे क्रिप्टोपंक्स ले लेते हैं एक नाम, सो जैसे क्रिप्टोपंक इज़ अ वेरी रेयर NFT, राइट, वो सबसे पहला, इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, इट वॉज वन ऑफ द अर्लियर NFTs, एंड उसकी चेन ऑफ कस्टडी अब बहुत ईजी है फिगर आउट करना कि भाई किसने किससे खरीदा एंड कब खरीदा गया था ये। तो दैट चेन ऑफ कस्टडी एंड प्रूफ ऑफ ओनरशिप बिकम्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू द NFT गेम, राइट, जो एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। जैसे मैंने आपको मोनालिसा वाला एग्जांपल दिया था, आप कमेंट में बता दें, राइट, कि हाउ विल यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट, देयर विल बी नो वे फॉर मी टू फिगर आउट कि वो पेंटिंग सही भी है कि नहीं, इवन इफ अनंत ने उसके लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, इवन इफ अनंत का नाम न्यूज़पेपर्स में आया है पेरिस के कि उसने मोनालिसा की पेंटिंग खरीदी है, तब भी मुझे विश्वास करना 100% विल बी रियली टफ फॉर मी क्योंकि वो चेन ऑफ ओनरशिप इज़ नॉट क्लियर, राइट, एक फिजिकल एसेट में। NFT में ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है एक पूरे कंसेप्चुअल लेवल पे। सो ये तो पहली चीज़ हो गई। अब NFT की वैल्यू मैं बहुत क्विकली समझा दूँ, दो तीन एस्पेक्ट से आती है। पहली चीज़ तो ये कि वो NFT अपने आप में बहुत रेयर हो, वन ऑफ इट्स काइंड, जैसे क्रिप्टोपंक के बारे में मैंने बात करी। दूसरी चीज़ ये हो गई कि उस NFT को किसी फेमस बंदे ने या फेमस पर्सन ने होल्ड करा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपना कोई भी बेकार से NFT निकाला, राइट, मैंने कोई भी रैंडम से NFT निकाल दिया, अक्षत NFT बोल दिया, एंड वो NFT मान लीजिए हाइपोथेटिकली किसी दिन मूड हुआ बाराक ओबामा का कि चलो यार अक्षत का NFT खरीद लेते हैं, तो उन्हें खरीद लिया। नाउ बिकॉज बाराक ओबामा ओन्ड दैट NFT एंड ही डिसाइड्स टू सेल इट, एंड आपके पास वो NFT लग जाए हाथ, तो आप बोल सकते हो कि यार ये NFT एट वन पॉइंट इन टाइम वॉज ओन्ड बाय बाराक ओबामा, सो उसकी वैल्यू वहाँ से आ जाती है, राइट। सो ये तो दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरे तरीके के NFTs होते हैं जो यूटिलिटी बेस्ड NFTs होते हैं। तो यूटिलिटी बेस्ड NFTs क्या होते हैं, जैसे कि यूटिलिटी बेस्ड NFTs हो गए आपके, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द एग्जाम्पल्स हियर वुड बी गेमिंग NFTs, राइट। सो गेमिंग NFTs बहुत, गेमिंग NFTs या उसको प्ले टू अर्न NFTs भी बोलते हैं या प्लेएबल NFTs भी बोलते हैं। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इन द सेंस कि जैसे अभी आपने कोई गेम, अगर आप वीडियो गेम खेलते हो, तो आपने मान लीजिए GTA San Andreas खेला, राइट, एंड GTA San Andreas में आपने जाके अपने 1000 रुपये से जाके कार खरीदी, राइट, तो आपने कैश तो 1000 INR में दिया वो कार खरीदने के लिए, एंड उस एसेट को, उस कार को आप GTA के यूनिवर्स में ही यूज़ कर सकते हो, राइट, एंड आप बोलोगे कि यार मैं तो बोर हो गया इस गेम से, अब मुझे अपनी कार मैं बेचना चाहता हूँ एंड आई वॉन्ट माई 1000 रुपीज़ बैक, तो आप कर ही नहीं सकते, राइट, क्योंकि आपने एक बार वो चीज़ खरीद लिया, आपका पैसा वो लॉक हो गया GTA के यूनिवर्स में, एंड इट्स अ डिजिटल यूनिवर्स, देर इज़ नो वे कि आप उससे कुछ अर्न कर सकते हो, वो पैसा तो गया, राइट, आप उससे प्रॉबेबली कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप प्लेएबल NFTs हैं आपके पास, तो उसमें आप सिस्टम ये है, जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे देर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सी इन्फिनिटी या डिसेंट्रलैंड, तो ये सारे गेमिंग मेटावर्सेज हो गए, तो इसमें इनके NFTs निकलते रहते हैं। तो जो भी NFT आपने खरीदा, मान लीजिए कि अगर आपने डिसेंट्रलैंड में जाके एक बिल्डिंग खरीद ली, राइट, या पीस ऑफ लैंड खरीद लिया जो बहुत एक्सपेंसिव है अभी आजकल भी, सो आपने वो गेमिंग NFTs, सॉरी, आपने डिसेंट्रलैंड में वो NFTs खरीद लिए, अब आपको बेचने हैं, आपको पैसा वापस चाहिए, तो आप कर सकते हो, राइट, सो दैट इज़ द यूटिलिटी। एंड बिकॉज इसमें ये इंटर ऑपरेटेबिलिटी होती है, तो क्योंकि आप एक क्रिप्टो करेंसी से या एक NFT को इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हो, विच इज़ अ क्रिप्टो करेंसी, एंड इथेरियम के अपने अलग यूज़ केसेस हैं, सो इट बिकम्स ईजी टू गेट इन एंड आउट ऑफ दैट यूनिवर्स, एंड दैट इज़
एंड फिर इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिसेंट्रलैंड या एक्सी इन्फिनिटी में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो गेम में तो आपको एडिशनल NFTs भी मिल जाते हैं, तो दैट इज़ अनलॉकिंग ऑफ NFTs जो होता है, या कुछ रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं, एथेरियम में रिवॉर्ड मिल जाता है बिकॉज यू आर प्लेइंग दैट गेम, राइट? सो दैट इज़ द यूटिलिटी. सो ये दो तीन मोटे मोटे मुद्दे हैं जिसकी जिससे अपन यूटिलिटी समझ सकते हैं. नहीं, मेरे को तो जितना इसमें समझ आ रहा है ना, आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग अबाउट NFTs फ्रॉम लास्ट फ्यू मंथ्स, कि ये जितना रेयर होगी चीज उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मेरी एक दोस्त ने बताया था मुझे, कि जैसे ट्विटर पे आपके पास एक वेरीफाइड मार्क होता है, लोग उस वेरीफाइड मार्क के लिए कितने भी पैसे पे करने के लिए रेडी होते हैं, और जब उनसे पूछो कि भाई वो वेरीफाइड मार्क आ गया तो तुम करोगे क्या उसका, उससे तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा, बट वो एक फ्लेक्स है क्योंकि वो रेयर है और बहुत कम लोगों को मिलता है, तो उसकी वैल्यू हो गई. सो मैं थोड़ा सा उस पर एक काउंटर ऑब्जेक्शन ये होगा कि आई थिंक कि जैसे वेरिफिकेशन जो होता है ट्विटर पे भी उसका भी फ़ायदा होता है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ये बोलो कि यार जैसे ऑक्शन में आप लोगों ने मोने की पेंटिंग खरीद ली, राइट? और उसके लिए आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द एग्जैक्ट फिगर, तो अभी तो अबूधाबी इन्वेस्टमेंट फंड ने एक बहुत फेमस पेंटर की पेंटिंग खरीदी थी करीब करीब $800 million या समथिंग लाइक दैट, विच वॉज क्रेजी मच, राइट? या $800 million की पेंटिंग खरीद ली, ये तो मैडनेस है, इस पेंटिंग का करोगे क्या, इसका तुम कुछ बना के खाओगे, राइट? क्या इसको कहीं यू नो किसी और को बेचोगे? नो, द पॉइंट इज कि यार जो रेयर चीज़ें होती हैं इट्स लाइक ओनिंग अ पीस ऑफ हिस्ट्री, राइट? अब उसकी वैल्यू करना ही अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, राइट? सो दैट इज़ वन पार्ट ऑफ द इक्वेशन. एंड कई चीज़ों की बहुत यूटिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल इट गिव्स यू फ्लेक्सिंग पावर. जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि मुंबई में जो न्यूज़पेपर्स में सोशलाइट्स इतनी पार्टीज क्यों अटेंड करते हैं, राइट? कोई खाना खाने के लिए तो जाते नहीं है वहाँ, राइट? इट्स जस्ट दैट कि टू बिल्ड कॉन्टैक्ट्स, टू गेट इनटू दोस टाइप ऑफ सर्कल्स, ऑल दैट स्टफ. अब इमेजिन ये करो कि अगर आपने जैक डॉर्सी के फर्स्ट ट्वीट की NFT खरीदी है, पूरी दुनिया को पता है कि भाई अनंत लड्डा ओन्स जैक डॉर्सी का फर्स्ट ट्वीट, आपकी सोशल रेप्यूटेशन नहीं बढ़ती क्या उससे, राइट? मे बी अपने लिए यूटिलिटी ना हो उस चीज़ की, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए मे बी इट हैज़ अ लॉट ऑफ यूटिलिटी विच दे कैन ट्रांसलेट इनटू डिफरेंट थिंग्स. वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. सो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी को NFT में इन्वेस्ट करने का मन भी है, इच्छा भी है, कितना एलोकेशन उसका जा सकता है NFT में? एलोकेशन के साथ साथ क्वेश्चन आता है कि मेरे यहाँ पे रिस्क क्या क्या होगी? यार पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि प्लीज़ कंसिडर दिस एज स्पेक्यूलेशन मनी, राइट? क्योंकि ये है ना, नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए आप NFT लेके डाल दो उसका कोई पॉइंट नहीं है बहुत ज़्यादा, बिकॉज इट्स अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इक्वेशन, राइट? इट्स लाइक सेइंग कि भाई हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमें बताओ हेज फंड में क्यों कैसे इन्वेस्ट करें. आपको हेज फंड में करना ही नहीं चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, राइट? सो दैट्स द बेसिक पॉइंट, बिकॉज म्यूचुअल फंड इज मोर रेगुलेटेड कम्पेयर टू हेज फंड्स, राइट? लेकिन अगर आप ये रिस्क समझते हो और आप बोलते हो कि यार आई एम ओके विद दैट, राइट? एंड मैं 10% एलोकेशन अपना क्रिप्टोज में करना चाहता हूँ, तो उसका एक छोटा सा पार्ट मे बी 1-2% आप NFT मार्केट में ले सकते हो पोजीशंस, राइट? ऑन सर्टन टाइप्स ऑफ NFTs जिसकी आपको समझ है. फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत अच्छे गेमर हो और आपको गेम्स खेलने आते हैं, तो आजकल प्लेएबल NFTs आर वेरी गुड, राइट? एंड दैट इज समथिंग दैट आई वुड एनकरेज इवन स्टूडेंट्स टू डू, नॉट अ वेरी हेल्दी एडवाइस कमिंग फ्रॉम अस, बट यू नो पीपल कैन मेक लाइक सीरियस अमाउंट ऑफ मनी प्लेइंग वीडियो गेम्स, राइट? आई मीन आप TV देखते हो, आप Netflix देखते हो, Amazon Prime देखते हो, दुनिया भर की चीज़ें देखते हो, सो इफ़ यू कैन मेक मनी बाय प्लेइंग वीडियो गेम्स एंड वाई नॉट, राइट? सो प्लेएबल NFTs बिकम लाइक अ रियली गुड एस्पेक्ट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, राइट? सिमिलरली अगर आपको कोई आप रेयर कुछ चीज़ खरीदने जाओगे कि डैक डॉर्सी का फर्स्ट ट्वीट, तो वो खरीद ही नहीं पाओगे, राइट? आई मीन बिकॉज वो हो गई यार $500,000 का, राइट? सो दैट बिकम्स लाइक वेरी एक्सपेंसिव टू बिगिन विद, तो उन तरीके के NFTs में आप कर नहीं सकते कुछ. सो आई थिंक प्लेएबल NFTs बिकम वन ऑप्शन जिसमें आप थोड़ी सी पोजिशंस ले सकते हो, एंड बाकी सारा तो आपका स्पेक्यूलेशन होगा कि जैसे कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें आप थोड़ी सी पोजिशन आपने लेके डाल दी तो उस समय वो बहुत ही सस्ता मिलता है, राइट? मान लो 8-10 हज़ार रुपये का तो लेके डाल दो, राइट? अगर बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, इट विल गिव यू लाइक 1000% रिटर्न, अगर गिर गया तो पूरा जीरो हो जाएगा, राइट? सो दैट इज हाउ यू नीड टू लुक एट इट. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है जहाँ पे आपने बोला ना क्रिप्टो में आपका 10% का एलोकेशन हो सकता है. अभी क्रिप्टो मार्केट में मजेदार करेक्शन या फिर डिप चल रहा है. मैंने कल ही एक वीडियो डाला था ट्यूलिप मैनिक में, जो सबसे वर्ल्ड का सबसे पहला क्रैश हुआ था, उसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन यही आया था कि क्या ये क्रिप्टो भी ट्यूलिप मैनिक जैसा कुछ सीन हो सकता है क्या. अब अभी जो मार्केट में क्रैश चल रहा है क्रिप्टो मार्केट में स्पेसिफिकली, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? इस क्रैश को क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को कैसे लेना चाहिए, क्या माइंडसेट मेंटेन करना चाहिए? तो दो तीन बातें. सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिटकॉइन जो होता है दैट एक्ट्स एज अ नॉर्थ स्टार टू क्रिप्टो करेक्शंस. अगर बिटकॉइन में करेक्शन आता है तो बाकी सारे क्रिप्टोज में करेक्शन आता है, तो अपन बिटकॉइन का यूज़ केस लेके बात करते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आप बिटकॉइन का की बात करो तो इट्स नॉट एज इफ, तो बिटकॉइन में दो तीन चीज़ें हैं. सो सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिटकॉइन में हाफिंग साइकिल होती है,
विच इज़ गिवन ऑन द वाइट पेपर. अगर आप बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बिटकॉइन की हाफिंग साइकिल कब होने वाली है. पहली चीज़ उसमें आप एड ऑन करोगे तो आप ये भी फिगर आउट बहुत ईजिली कर सकते हो कि आफ्टर एवरी हाफिंग साइकिल बिटकॉइन करेक्ट्स बाई 80%. राइट, ये कोई अभी नहीं हो रहा है, ये हो चुका है बहुत बार. राइट, सो ये कोई जो अभी हो रहा है इट्स नॉट अनप्रेसिडेंटेड. दैट इज़ पॉइंट वन. पॉइंट टू, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो क्रिप्टो की प्राइजेज या स्टॉक्स की प्राइजेज 2020 में या इंडियन स्टॉक्स की प्राइजेज, यूएस स्टॉक्स की प्राइजेज क्यों बढ़ी थी 2020 में? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, दैट देयर वाज एक्सेसिव क्वांटिटेटिव ईजिंग, कि बहुत ज़्यादा मनी प्रिंट करके उन्होंने इकोनॉमी में डाल दिया, उससे एसेट प्राइस इन्फ्लेशन हो गया एंड एसेट इंक्लूड्स क्रिप्टोज, इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स, सब कुछ बढ़ गए. राइट, अभी जब करेक्शन शुरू हुआ एंड सबसे ज़्यादा क्या बढ़ा इसमें? क्रिप्टोज. राइट, एंड आफ्टर दैट लाइक टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, राइट, इन द यूएस. अब जब करेक्शन शुरू हुआ है, अब इस बबल का साइज कम होना शुरू हुआ है. बिकॉज क्यों? क्योंकि अभी आपने रिसेंट अनाउंसमेंट सुना होगा कि यूएस में इन्फ्लेशन इज लाइक रफली 7-7.5% एंड इवन यूएस फेड्स आर वेरी स्केर्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए यूएस में इमीडिएटली. राइट, एंड काफ़ी तगड़ी रेट इंक्रीज हुई है, तो उसकी वजह से एसेट प्राइस आपका डिफ्लेट करेगा. तो एज अ रिजल्ट सेकेंड पॉइंट अराउंड दिस इज कि क्रिप्टो प्राइसेस विल आल्सो करेक्ट. राइट, यूएस के स्टॉक्स करेक्ट कर रहे हैं, इंडिया के स्टॉक्स करेक्ट कर रहे हैं, यूएस के क्रिप्टोज भी करेक्ट करेंगे. राइट, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव तो ये भी कोई अनप्रेसिडेंटेड सा इवेंट नहीं है. राइट, सो दैट इज द सेकंड की पॉइंट. पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है क्रिप्टो करेक्शन पे कि यार एक तो आप बल्क पोजिशन मत लो कभी भी क्रिप्टो मार्केट में, कि आपका मन करा एक दिन आप उठे सुबह सुबह एंड आपने उठा के अपना घर भर बेचा. राइट, एंड जो भी पैसा आया उसका आपने क्रिप्टो मार्केट में डाल दिया, तो दैट इज़ रियली बैड. आप छोटी पोजीशंस लो, SIP फॉर्म में इन्वेस्ट करो, तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ ए जनरल इंक्रीज इन थिंग्स. जैसे इट्स लाइक इमेजिनिंग कि व्हाटएवर 1995 में जो सेंसेक्स था इंडिया में, उस समय से लेकर अगर आपने आज तक SIP करी होती तो आपका पैसा बहुत बढ़ गया होता. तो सेम इज़ द सिचुएशन नाउ, क्योंकि ये ग्रोइंग मार्केट है, इसमें आपको वॉलिटिलिटी बहुत रहेगी. राइट, बिकॉज बहुत ही छोटा मार्केट है, इट्स लाइक एट अ मार्केट कैप ऑफ $2 trillion एंटायर क्रिप्टो मार्केट. गोल्ड की मार्केट कैप इज $10 trillion. राइट, सो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि आप पूरे सेट ऑफ एसेट क्लासेस को, आप एक एसेट क्लास विद इन कमोडिटी आप कंपेयर कर रहे हो, उससे भी 1/5 है वो. तो वॉलिटिलिटी इसलिए है, इसके आप अगर आप बेसिक रीजन समझो तो इट्स नॉट एज इफ कि यहाँ पे कोई यू नो मेजर अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ हो रही है कि क्रिप्टो करेक्ट हो रहे हैं, आप क्या करेंगे, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, एकदम जीरो पे पहुँच जाएगा. बहुत बार हो चुका है. राइट, इट्स नॉट एज इफ कि ये कोई नई चीज़ हुई है. फंडामेंटली क्या चेंज हुआ है आप ये बताओ. फॉर एग्जांपल, अगर फंडामेंटली ये वो बोला गया होता है कि भाई यूएस जो है वो क्रिप्टो बैन लगा रहा है, मेक सेंस. राइट, कि भाई क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल कर जाएगा. राइट, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा फंडामेंटल रीज़न तो है नहीं कि यू नो कि क्रिप्टो एकदम ही ज़ीरो बन जाएगा. सो अगर आपको कोई फंडामेंटल रीज़न लगता है तो आपको डरना चाहिए क्रैश से. अगर आपको फंडामेंटल रीज़न कोई चेंज होता हुआ नहीं लगता तो आप SIP फॉर्म में इन्वेस्ट करो. क्रिप्टो इज़ अ हाईली वॉलेटाइल एसेट क्लास, उसमें ऊपर नीचे जाएगी. हाईली वॉलेटाइल क्यों है, एंड एक और चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि लोग बहुत डर जाते हैं कि यार वॉलेटाइल वाली चीज़ है, तो इसका मैं बहुत हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ रोहित शर्मा का. राइट, सो रोहित शर्मा ने जब अपना क्रिकेट करियर स्टार्ट किया था तो आई थिंक ही स्टार्टेड इन 2012-2013 समथिंग लाइक दैट. सो फर्स्ट ईयर में उसका एवरेज था 65 रफली. राइट, एंड सेकेंड ईयर में इट वॉज लाइक 23, थर्ड ईयर में इट वॉज लाइक 32. सो रोहित शर्मा हिमसेल्फ वॉज अ वेरी वॉलेटाइल प्लेयर. अब आप उसको ड्रॉप कर दो कि भाई दो साल तो उसने परफॉर्म नहीं किया, बेकार प्लेयर है, भगा दो उसे. राइट, सो देन वॉट वुड बी द पॉइंट? राइट, यू वुड हैव लॉस्ट अ ग्रेट टैलेंट फ्रॉम दैट एंगल. सो जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो वॉलेटाइल भी हो सकती हैं. राइट, आई एम नॉट सेइंग कि क्रिप्टो अच्छी चीज़ है खराब चीज़ है, वो जजमेंट आपको लेना है, लेकिन जस्ट बिकॉज की कुछ चीज़ वॉलेटाइल है डज नॉट मेक इट बैड. सो दैट्स अ सिंपल एग्जाम्पल. आप अपनी एनालिसिस करके आप उसमें पोजिशन ले सकते हैं. कहूँगा मैं ये कि इसमें जो क्रिप्टो क्रैश हो रहा है उसमें ऐसा कोई फंडामेंटली डरने वाली बात नहीं. तो इसमें सपोज करते हैं, मैं तो एक ऐसा रिटेल इन्वेस्टर था जो बिल्कुल लेट आया यहाँ पे. मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया था क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना और मैंने 2 महीने पहले से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया और मेरे इन्वेस्टमेंट करते ही मार्केट में क्रैश स्टार्ट हो गया. क्या मैं एक बार अपनी जो पोजीशन होल्ड कर रखी है मैं उसको एक बार जीरो कर लूँ और फिर SIP के फॉर्म से इन्वेस्ट करूँ, या जो अपनी पोजीशन है उसको होल्ड करूँ और धीरे धीरे SIP में इसमें इन्वेस्ट करता रहूँ, क्या किया जाए? यार मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि आप थोड़ा सा खुद ही एनालिसिस करो कि अगर आपने 100 रुपये क्रिप्टो में डाले हैं, राइट, मैक्सिमम लॉस आपका कितना होगा? 100 रुपये. राइट, अगर आप 10 साल तक अगर क्रिप्टो बच जाती है, राइट, फॉर व्हाटएवर रीज़न के इंडिया बैन नहीं करती, बहुत ज़्यादा बैंस नहीं आते एंड यू नो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी लोग खरीदने लग जाते हैं, जैसे थोड़े थोड़े खरीदने लग गए क्रिप्टो करेंसीज में, सो व्हाट डू यू थिंक दिस 100 रुपीज़ विल बिकम इन द क्रिप्टो वर्ल्ड? अपसाइड की कोई लिमिट नहीं होती है,
सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि अपसाइड की कोई लिमिट नहीं होती है, कितना भी हो सकता है, डाउनसाइड लिमिटेड होता है। लेकिन इस एग्जांपल में आपको ध्यान देने वाली बात ये है सिंपल सी कि मैंने बात करी थी 100 रुपए पे, राइट। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपको डर तब लगना चाहिए कि अगर आपने इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है कि आपके अब हाथ पैर कांप रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो आप अपनी पोजीशन कट कर दो, राइट। अगर आपको ये लग रहा है कि यार ठीक है, आई अंडरस्टैंड द रिस्क रिवॉर्ड इक्वेशन, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर इफ़ क्रिप्टो मार्केट सर्वाइव्स, जो मैंने 100 रुपये इन्वेस्ट करे थे यार वो 15-10 हज़ार तो आराम से हो ही जाएंगे, राइट। सो फ्रॉम इन दैट टाइम फ्रेम, और वो हो सकते हैं, राइट। इट्स नॉट एज इफ कि मैं यहाँ पे ये आपको बेतुकी बात नहीं लग रही होगी, लुकिंग एट दी बिटकॉइन रिटर्न, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन, विच इज़ दी अल्फा कॉइन इन द क्रिप्टो मार्केट, इट हैज़ गिवन 200% का रिटर्न एवरी सिंगल ईयर, राइट। सो एवरी सिंगल ईयर, राइट, आई मीन कैगर जो मैं बात कर रहा हूँ, सम ईयर इट माइट हैव बीन इन नेगेटिव, सम ईयर इट माइट हैव बीन लॉट ऑफ पॉजिटिव, तो उस रेट से अगर कोई एसेट ग्रो करता है तो देर इज लाइक पोटेंशियल इन इट। आपका थोड़ा सा एक्सपोजर होना चाहिए, आप उसको थोड़े से एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो एट द वेरी लीस्ट। वेरी इंटरेस्टिंग। आई थिंक देखिए सबसे पहले ना NFT सबके लिए बहुत नया है, आपने एक पर्सपेक्टिव एटलीस्ट दे दिया कि NFT को समझना स्टार्ट करें, उसके बारे में रीड करना स्टार्ट करें, अगर कोई नई एसेट क्लास आई है उसे एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें। इन्वेस्ट करना नहीं करना वो एक बात का क्वेश्चन है, पर एटलीस्ट हमें उसके बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए, उसको आपने बहुत प्यार से समझाया। थैंक यू सो मच अक्षत फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनंत, इट वॉज अ प्लेजर।